स्टूडेंट इस YouTube चैनल में सभी योग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, योग की श्रृंखला में आज हम सीखने वाले हैं शीर्षासन। शीर्षासन को आसनों का राजा कहते हैं। शीर्षासन में सर्वांगासन की तरह हमारे शरीर की दिशा विपरीत हो जाती है। विपरीत दिशा में किया जाने वाला शीर्षासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए इसे आसनों का राजा कहते हैं। इस आसन में हम सर के बल खड़े हो जाते हैं, इसलिए इसे शीर्षासन कहते हैं। शीर्षासन के आसनों की राजा होने से हमारे शरीर को अनगिनत लाभ मिलते हैं। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी नर्वस सिस्टम को इससे बहुत ही लाभ मिलता है। हमारे सर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हमारी आँखों की दृष्टि इस आसन से ज़्यादा दिन तक अच्छी तरह से काम करती है। हमारी श्वसन संस्था, हमारे फेफड़े इस आसन से बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने पैरों में वेरिकोज वेन जैसी बीमारी होती है, हर्निया जैसे डिसीज होते हैं। इस आसन में हमें इन रोगों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से लाभ मिलता है। मगर ध्यान रहे, जिन लोगों को हाई बीपी हो और अपने हार्ट संबंधी कोई विशेष आजार हो, हार्ट अटैक आए हो तो वो लोग ये आसन मत करें। शीर्षासन सीखते समय हर स्टूडेंट ध्यान में रहे, पहले ये आसन हम दीवार के सपोर्ट से करेंगे। जब आपको लगेगा ये आसन हमें अच्छी तरह से आता है, तो फिर आप दीवार का सपोर्ट दूर करके ये आसन कर सकते हैं। मैं पहले आपको शीर्षासन दीवार की सपोर्ट से कैसे किया जाता है यह पहले आपको दिखाऊंगा, और फिर बगैर दीवार की सपोर्ट यह आसन हम कैसे करेंगे यह भी आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले एक दीवार के पास अपनी मैट को डाल के वहां पे बैठ जाइए। यह आसन बैठकर किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण आसन है। बैठने के बाद अपने दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक कीजिए और दोनों हाथों का और अपने कोहनी को एक ट्रायंगल बनाइए। उस ट्रायंगल में अपने सर को धीरे से रख दीजिए। अब अपने पैरों के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके इस स्थिति में आ जाइए। अब अपने एक पैर को थोड़ा सा नीचे से प्रेस करके शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पीछे अपने दीवार का सपोर्ट रहेगा, धीरे से एक पैर को ऊपर उठाकर दीवार के सपोर्ट से स्थिर होने का प्रयास करें। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इस आसन को स्थिर करने का आप प्रयास करेंगे। धीरे से सांस ले, धीरे से सांस छोड़े। यह आसन करते समय हमारे शरीर का पूरा भार अपनी गर्दन पे आता है, इसलिए जिन लोगों को गर्दन संबंधी विशेष व्याधि हो वह यह आसन मत करें। इस आसन में आप आंखों को बंद भी कर सकते हैं, खुला भी छोड़ सकते हैं। आसन छोड़ते समय धीरे से एक एक पैर को नीचे लाके यह आसन को छोड़िए। अब हमने देखा इस आसन को दीवार की सपोर्ट से कैसे करते हैं। अब कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आसन में विदाउट दीवार के सपोर्ट कर सकता हूं, तो अपनी मैट थोड़ी सी दीवार से दूर लाइए। मैट दूर लाने के बाद फिर से दोनों हाथों का ट्रायंगल बना के अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके धीरे से नीचे बैठ जाइए। बैठने के बाद अपने दोनों पैरों की उंगली के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर लेके जाइए। यह आसन की पूर्ण स्थिति है। ध्यान रखें, अपने शरीर का बैलेंस इस आसन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसन की आदर्श स्थिति में धीरे से सांस ले, धीरे से सांस को छोड़े। अगर आपके शरीर का बैलेंस थोड़ा सा
हिल रहा है तो ध्यान में रहे कि अपना शरीर नीचे ना गिर जाए, इसकी तरफ से आप सावधानी रखें। इस आसन में आप पद्मासन डाल के शीर्ष पद्मासन भी कर सकते हैं। जब आप इस आसन को अच्छी तरह से करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए धीरे धीरे इस आसन में आप पद्मासन डालेंगे। इसे पद्म शीर्षासन कहते हैं। आसन को छोड़ते समय धीरे से एक पैर को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैर को ऊपर उठाने के बाद धीरे धीरे से दोनों पैरों को हम नीचे लाके इस आसन को छोड़ेंगे। यह आसन करने से बच्चों की हाइट बढ़ती है और बच्चों की मनों की एकाग्रता बढ़ने से जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उन्हें इस आसन के अनगिनत लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, सीखेंगे ना शीर्षासन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और रेड लेटर्स में लिखे वाले सब्सक्राइब बटन को टच करके बेल आइकॉन को दबा के हमारे योगा फॉर स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें।